पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर बने विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इसको लेकर राजनीति भी बढ़ती जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह को बदल दिया गया है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने एक ट्वीट शेयर किया और लिखा, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह ने जिस ट्वीट को शेयर किया उसमें राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने की बात कही गई थी। उस ट्वीट में लिखा था, एक में सिंह जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिख रहा है और दूसरे में सिर्फ आदमखोर शासक की भूमिका में खौफ फैलाने जैसा है। संजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जवाब दिया। तंज भरे लहजे में कपिल मिश्रा ने रिप्लाई किया, संजय सिंह जी भगवंत मान जी वाली दवाई पीकर ट्वीट मत किया कीजिए, आप झेल नहीं पाते। अशोक चिन्ह के शेर को आप आदमखोर कहकर आप केवल खुद की बची खुची इज्जत का केजरीवाल बनवा रहे हो। बताते चले कि एक दिन पहले सोमवार को पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। इसको लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी के हाथों राष्ट्रीय चिन्ह के अनावरण पर आपत्ति जताई थी। ओवैसी ने कहा था कि यह अधिकार लोकसभा के स्पीकर का है। संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। यह लोकसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है, स्पीकर सरकार के अधीन नहीं है। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। पीएम मोदी सरकार के मुखिया हैं, लोकसभा के नहीं, इसलिए उन्हें यह अनावरण नहीं करना चाहिए था। बताते चले कि पीएम मोदी ने नए संसद भवन के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रतीक चिन्ह के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने श्रमिकों से बातचीत भी की थी। पीएम मोदी ने जिस प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है वो 9,500 किलो बजनी है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर बनाया गया है। इसके अनावरण के बाद ही सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। ओवैसी से लेकर संजय सिंह तक केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर प्रतीक चिन्ह को बदलने के आरोप लगा दिए, जिसका जवाब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।